मासूम जश के हत्यारों को पुलिस ढूंढ रही है। जश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जश की हत्या गला दबाकर हुई है। वहीं इस बात के सामने आने के बाद करनाल के कमालपुर गांव में शुक्रवार को पंचायत हुई, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जश के ताऊ राजेश के परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से जश के ताऊ राजेश और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया है। पंचायत में ऐलान किया गया कि जो भी ग्रामीण राजेश या फिर राजेश के परिवार को पनाह देगा उसका भी बहिष्कार किया जाएगा और पंचायती तौर पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत में फैसला लिया गया कि राजेश के रिश्तेदारों को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरा क्या हमारा शक भी था उस पे, तो हम तो बब्बे के डिफेंस में रह गए, बब्बा नहीं कर गए ये काम, बब्बे की जोड़ी बस गांव राम ने सब ना शक होया, तो हमने तो शुरू दिन से ही शक था। मार से आज से 6 महीने पहले कुछ रंजिश हो गई थी डोल के ऊपर, तो उसने जब भी अपने भांजे को फोन किया, हर शनिवार वो गांव में आता था छुट्टी, लुधियाना ड्यूटी करता था, तो उस बार वो आया नहीं, वो मंडे गांव में आया सीधा सवेरी, तो आके वो मरिए बैठे गए गांव में, तो आके आओ मैं डैडी से बोला चाचा गलती होगी कोई बात नहीं, जाक थे कहीं सुनी होगी, तो गांव के 2-3 आदमी थे, 4 थे सरपंच भी था, तो वो डोल पर खंभा गाड़ दिया, थोड़ा हाथ जितना फर्क आया, उससे बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तुम्हारे पे 1-2 बार फिर भी माना मैसेज मिला भाई मारने की, कह रहे माना कह कोई बात नहीं छोड़ कौन इतने काम करा, तो वो काम उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि सिर्फ जमीनी रंजिश और आपसी खुंदकबाजी के चलते ऐसा भी काम किया उसने, तांत्रिक वगैरह का नाम इस बीच में देखो जी इस बात के क्लियर ही नहीं हो रहा अभी, कम कैसे बोल दे किया मार, तो ये मन में जो मन मटा होगा तो ये है पहले झटका, तो यही है भाई मारे तो उस कारण होया। तो कौन कौन आरोपी है इसमें, क्या क्या नाम है उनके? सारा परिवार रोप क्या क्या नाम है मेन, और सबसे मेन जो ये तो है सही ना, तो ये किया है, तो इसका अब जो बन जाए सीकरी से स्माइल, उसने कल परसों भी मेरे चाचे के लड़के को यही बैठा, मेरे चाचे के लड़के की वाइफ को बोलिया, बोले भाई अगर जो मारा नाम लिया या मारा कोई हाथ पाई कुछ भी ऐसी कार्रवाई हुई तो हम तोर भी मारते। जश के चाचा ने बताया कि हमें राजेश के परिवार, लेकिन बाबा की चाल से ध्यान बदल गया, पर सुबह से मामला स्पष्ट हो गया और सबके सामने आ गया। जश के चाचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजेश के परिवार ने ऐसा सिर्फ जमीन रंजिश व आपसी कहासुनी के कारण किया है। शिव शक्ति राइस मिल इंद्री के संचालक कुरुक्षेत्र निवासी रमेश बंसल ने कहा कि 3 दिनों से ना तो सो पाए हैं और ना ही कुछ अच्छे से खाया है, हर समय जश की फोटो और उसके साथ हुए व्यवहार ने खत्म सा कर दिया। पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, पूरे गांव ने यही फैसला लिया भी हम इस गांव में से इसका बहिष्कार करेंगे, राजेश का, राजेश के परिवार का, राजेश का कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा गांव में, सारे गांव ने इसका बहिष्कार कर दिया, ना कोई गांव में इसको आने देगा, और जो कि आवेगा भी जो इस पे गिरा जी, जब इसने पता लगे भी अब मेरे घर की तलाशी होगी, तो इसने तुरंत जाके छत पे इसका अपने माते गया भी इसको भगा दिया। अब 5 बजे ऐसा बोला गया कि सो जाओ सभी कल सुबह देखते हैं, उसकी माँ ने बोले राजेश ने भी बोला सबको रिश्तेदारों को बोला अभी आप सो जाओ सवेरे देखते हैं 2 घंटे आराम कर लो, हाँ 2 घंटे आराम करो, इसकी माँ ने भी यही बोला भी तुम सो जाओ, लेडीज को बोला भी आप सो जाओ आराम कर लो जाओ यहाँ से, तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है खुद करनाल के एसपी हर वक्त इस पर नजर, पुलिस प्रशासन ने बड़ा साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, गांव वाले ने पूरा साथ दिया दिल से, मेरे गांव में उस दिन रात को किसी ने भी चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं बनाया, आज तक हिम्मत नहीं हो रही होगी किसी की खाने की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही जी, तो गांव में दहशत का माहौल है, पूरा दहशत का माहौल है, और बार बार उसके रिश्तेदार धमकी भी दे रहे हैं, उसके बाद भी धमकी दी है, कल भी धमकी दी है भी अगर मेरे मारे हाथ लग गया उसके बाण जना मारा हाथ लग गया या मारा नाम आ गया तो हम तो मार देंगे। लेकिन एक युवा रमेश बंसल ने कहा कि अब राजेश के रिश्तेदार धमकी दे रहे हैं कि उनके नाम का खुलासा करने पर जान से मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जश की दादी का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपनी सुध बुध खो चुकी है और जश के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही है। बच्ची वहाँ गम्मा भी नहीं बढ़ने चाहिए, सजा माना जीत सब रहेगा, मेरे बच्चा याना बच्चा मेरा बचड़ी ये तड़वा तड़वा का मारे उसके पेशाब का भी काट दिया और इसके पोतिये भी कटे, उसका गला भी दबाया, चक्कू खेलो भी कटिया मिलना। मृतक जश के परिजन पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले को अंजाम देने वालों का जल्द खुलासा करें और उनको बीच चौराहे में ऐसे सजा दें कि कभी कोई दूसरा ऐसा करने की ना सोचे। इंद्री से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।